नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैरो। आज हम बात करेंगे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स कार्ड देख लीजिए। कार्ड का जो बेसिक मीनिंग, जब भी हम सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को देखते हैं तो मीनिंग निकलता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जिससे आप बच के निकल रहे हैं, कि ऐसी सिचुएशन जो कि अभी यहाँ पे एक फेवरेबल सिचुएशन नहीं है इस वक्त, और आप एक बेटर सिचुएशन के लिए एक वो बोट शो करी गई है, तो आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। अगर कार्ड के ऊपर ऊपर के मीनिंग में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि कार्ड के राइट साइड में जो है रिपल्स शो कर रहा है वो ट्रबल्ड वाटर है। इस साइड में ट्रबल है और उस साइड में काम वाटर है। तो शो यही करा जा रहा है, जो ऊपर का मीनिंग है कि अभी जो भी आप सिचुएशन में है, अच्छा ये हो कि वहां से निकल जाए, ताकि आप अपने आप को टाइम दे सकें और अपने आप को हील कर सकें और एक नई जिंदगी शुरू कर सकें, या फिर एक नया अपने आप को मौका दे सकें। जो कार्ड का ऊपर का मीनिंग सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का ये आता है। और अगर हम कार्ड की एनर्जी देखें तो कार्ड की एनर्जी सैड है। कार्ड की एनर्जी जो है उदास सी एनर्जी है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि एक वुमन को शो करा गया है जो कि सैड है। वो अपने बच्चे को लेके जो है जा रही है, और उसमें ये बोटमैन जो है उसको दूसरी तरफ लेके जा रहा है। अब अगर कार्ड के सिंबोलिज्म में जाएंगे तो उसकी डेप्थ थोड़ी सी और हमें कार्ड की पता चलेगी। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्स जब भी आता है, सिक्स का मतलब है इट्स अ नंबर ऑफ इमोशन, लव, कम्युनिकेशन, बीइंग टुगेदर। सो सिक्स इन कंक्लूजन इज अ गुड नंबर। यहाँ पे वो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स में आया है, तो आप ये समझिए कि नॉर्मली, अब सॉर्ड का मतलब समझिए, सॉर्ड जो है इट स्टैंड्स फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड, एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड में हम जो है सिचुएशन देखते हैं कि इट्स अ वेरी एक ऐसी सिचुएशन जो आपके मन के कारण, जो आपके आपके बहुत एक स्ट्रॉन्ग माइंड की वजह से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर हो गई कि अब आप उस सिचुएशन में नहीं रह सकते, अब आपको निकलना पड़ेगा वहां से। और अगर हम बात करें यहाँ पे सिक्स जो नंबर है वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव इसमें जो है पॉइंट ऑफ व्यू लेके आता है, क्योंकि वो उसी सिक्स की वजह से आपको वो बोटमैन वहां पे दिखता है जो आपको हेल्प कर रहा है और दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ये सपोर्ट है आपकी। सो सिक्स ऑफ सॉर्ड जो है एक मेंटल सिचुएशन जो बनी हुई है आपके लिए, उसको उससे बाहर निकलने के लिए आपको एक काम जगह पे, एक रिलैक्स जगह पे जाने के लिए सजेशन दी जा रही है। हम थोड़ा सिंबोलिज्म में जाएंगे तो सिंबोलिज्म में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे दिखती हैं, जिसका मैं चाहता हूँ कि मैं बात करूँ, और प्रॉब्ली शायद कल को कोई और भी इसको कंफर्म करे जो मैं बोलता हूँ। मुझे जो दिखता है वो ये कि एक वुमन को शो किया गया है जो कि एक शेम की पोजीशन में है, एंड लाइक शी इज़ नॉट हैप्पी and she wants to escape into a new situation. So somewhere when a woman is not happy, it will just create negativity in the whole atmosphere. और गहरे में देखा जाए तो woman is nothing but the mother earth. So somewhere if the woman is not happy, the earth is not happy, so which is making the area or the situation around not happy. तो साथ में हम देखते हैं
कि उसका बच्चा भी साथ में दिखाया गया, बच्चे को कवर, उसका फेस कवर्ड नहीं है, माँ का फेस कवर्ड है, और बच्चे ने पहनी हुई है ग्रीन ड्रेस। मेरे देखे जो मुझे समझ में आता है, ग्रीन स्टैंड फॉर द सीड, ये उसका सीड है इस वुमन का, ये उसका पोटेंशियल है, और इसी पोटेंशियल को बचाने के लिए वो एस्केप कर रही है। शी इज गोइंग इन टू अ कामर प्लेस, अ बेटर प्लेस। और जो हम ये जो बोटमैन को देखते हैं, देर इज अ वैंट विच इज शोन, एंड वैंट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ। तो चाहे एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सॉर्ड शो करे गए हैं, विच इज अ काइंड ऑफ नॉट वेरी पॉजिटिव सिचुएशन, इस नेगेटिविटी के बावजूद भी, उसको नेगेटिविटी मैं बोल रहा हूँ, बात सिंपली ये है कि जब भी सॉर्ड है तो वो कहीं ना कहीं वो एयर का एलिमेंट है, एंड अर्थ उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। सो उसके बीच में वॉन्ड का होना एक एक पॉजिटिव साइन है। सिर्फ इस एक वॉन्ड की वजह से उसके वो जो एयर का एलिमेंट है वो अर्थ के साथ मिक्स हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द बोटमैन इज नोबडी बट अ ब्लेसिंग विच हैज बीन गिवन टू दिस पर्सन। सो हम कार्ड में ये देखते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जो कि नेगेटिव है, उसको बचाने के लिए, अपने सीट को बचाने के लिए, हम ये देख रहे हैं कि उस जो वुमन है वो ऑलरेडी वो एक नेगेटिविटी में है, वो शेम में है, और वो एस्केप करना चाहती है। और उसके एस्केप करने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि वो अपने बच्चे को बचाना चाहती है, वो अपने सीट को बचाना चाहती है, एंड दिस सीट कुड बी योर पोटेंशियल जो आपको हेल्प करेगा आगे। सो इन कंक्लूजन, द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, वो जब भी आपको ये कार्ड आ रहा है तो आपको ये बता रहा है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आपको एक अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की ज़रूरत है। आप अगर ट्रैवल कर सकें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और एक शांत जगह अगर अपने लिए चुन सकें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दौरान ये पीरियड आपको चाहिए जब आप अपने आप को हील कर सकेंगे। दिस इज नॉट द टाइम टू फाइट, दिस इज नॉट द टाइम यू नो दैट यू विल गेट इन टू डिस्कशंस, दिस इज द टाइम। और आप ये भी देखोगे सॉर्ड के अंदर एक ये बात है, व्हेन द सॉर्ड इज पॉजिटिव इट इज लिफ्टेड अप, एंड व्हेन द सॉर्ड इज नॉट शोइंग अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट इट इज लाइक डाउन, इट इज शोइंग डाउन। और वो आपको ये भी सिंबोलिज्म आपको ये भी बताता है कि आप अपने मन, अपने थॉट से थोड़ा सा उससे डिस्टेंस क्रिएट करिए। वॉट यू नीड इज टू गेट इन टच विद योर ओन सेल्फ, विद द अर्थ फॉर नाउ। सो चाहे नो मैटर कैसी भी सिचुएशन है, एक चीज जो बहुत पॉजिटिव है कि दिस बोटमैन इज लाइक अ ब्लेसिंग इन दिस सिचुएशन, जो कि आपको बचा के दूसरी तरफ लेके जा रहा है, एक आपको एक अच्छी पॉजिटिव स्टेट में लेके जा रहा है जो आपको आगे जाके बचाएगा भी। कार्ड, टैरो कार्ड्स, जैसे मैंने पहले बताया आपको, देर इज सो मच टू टॉक। एक एक सिम्बॉलिज्म जब हम देखते हैं, देर इज अ मीनिंग टू इट, इसके ऊपर ऊपर के मीनिंग्स नहीं होते। एंड वॉट आई ऑल्सो फील दिस इज लाइक वेरी मच डीपली विच इज बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी, बाइबल, बहुत कुछ जो है वहाँ से आता है। एक आपको इंटरेस्टिंग बात आपको पता होनी चाहिए राइडर वेट टैरो के बारे में, कि राइडर वेट टैरो कार्ड्स जो हैं वो कोई सोच के बनाए नहीं गए, जिन्होंने बनाए थे वो ड्रीम करते थे, और सुबह उठ के जो है वो फिगर एग्जैक्टली वैसी ड्रॉ कर ली जाती थी जो उनके सपने में होता था। इट्स जस्ट लाइक यू नो उनसे एंजल्स बात करते थे कि ये फिगर बनानी है। और आप देखो राइडर वेट ही एक ऐसे कार्ड्स हैं जो कि
बहुत मिस्ट्री से भरे हुए हैं। सिंपल सिंपल कार्ड्स हैं, लेकिन आप इसके सिर्फ ऊपर की मीनिंग में अगर अटक जाओगे तो आप इसके जो है जो इसमें जो आपको वो बातें बताना चाहते हैं उससे आप चूक जाओगे। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि राइडर वेट जो है इट कैन बी अ गाइड, इट कैन बी अ वेरी ब्यूटिफुल गाइड फॉर एवरीवन। सो दिस वॉज माई इंटरप्रिटेशन फॉर सिक्स ऑफ सॉर्ट्स। आशा करता हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।